नहीं, ये भी कोई बताने वाली बात है, किसी को नहीं बताऊंगा। ओके ओके, बाय 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 बाय। हंस? हाँ कोमल। क्या बात? क्या मतलब? अभी तुम बोल रहे थे ना, ये भी कोई बताने की बात है, ऐसी क्या बात है? कुछ खास नहीं। बताओ ना हंस। नहीं बता सकता, भिड़े मास्टर को गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आ जाएगा? ऐसी क्या बात है हंस, बताओ ना प्लीज। गंभीर मामला है, ज्यादा कुछ बता नहीं सकता कोमल। अच्छा तो थोड़ा सा ही बता दो। नहीं, बड़े मास्टर को जो डर है वही डर मुझे भी है। डर? कैसा डर? यही की बात, अगर ये फैल गई तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हंस मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बताओ ना प्लीज। नहीं नहीं कोमल, ये रिस्क मैं नहीं ले सकता, अगर बात फैल गई तो टप्पू सेना पता नहीं क्या करेगी। टप्पू सेना? ऐसे क्या बात है हंस, बताओ ना प्लीज बताओ। भिड़े मास्टर सोनू का दूसरे कॉलेज में एडमिशन करा रहा है। क्या बात कर रहे हो हंस, लेकिन क्यों? सोनू ने आर्ट्स लिया है ना, और वो दूसरा कॉलेज आर्ट्स के लिए अच्छा है। लेकिन सोनू अगर दूसरे कॉलेज में चली जाएगी तो टप्पू सेना अलग हो जाएगी। सही बात है कोमल, इसीलिए तो कह रहा हूँ किसी को कुछ मत बताना। लेकिन टप्पू सेना को तो ये बात पता होनी चाहिए ना, बेचारे बच्चों को अचानक ये बात पता चलेगी तो उनको कितना दुख होगा। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कोमल, इसीलिए भिड़े मास्टर ने बताने से मना किया है। एक बार कंफर्म हो जाएगा वो खुद सबको बता देगा। माधवी भाभी को तो ये बात पता है ना? नहीं नहीं। हाँ उनको भी पता नहीं, उनको तो बिल्कुल मत बताना। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं कोमल, ये बात भरोसा करके मैंने तुम्हें बता दी है, तुम किसी और को मत बताना, वरना भिड़े मास्टर मुझसे बहुत झगड़ा करेगा, उसको जब बताना होगा वो बता देगा। ठीक है हंस, लेकिन अभी मुझे ये बात पता चली है तो अभी मुझे नींद नहीं आने वाली। हाँ तो एक काम करो कोमल, गरम गरम दूध लेके आओ, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। क्या है ना, गरम दूध पीने से रात को नींद अच्छी आती है, और मेरे लिए दो ग्लास लाना। दो ग्लास क्यों? टेंशन है ना। हाँ, अभी लेकर आती। हाँ। बिचारी टप्पू से ना। बड़े मास्टर। हाँ बोलिए आती भाई। बड़े मास्टर मैंने तो बता दिया, तुम्हारा क्या हाल है? नहीं हाल तो ठीक है, लेकिन जब तक कुछ पक्का नहीं होता तब तक किसी को कुछ नहीं बता सकता ना, इसलिए। चलो कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। ओके बाय। किससे बात कर रहे थे? ये सोसाइटी के बिल्डर का फोन था। अच्छा क्या बात हो रही थी? कुछ खास नहीं, ऐसे ही इन जनरल, हाय हेलो। झूठ बोले कौवा काटे। मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? मुझे पता है आपको झूठ बोलना नहीं आता, बता दीजिए क्या बात है। माधवी मैं नहीं बता सकता। क्यों, ऐसी क्या बात है? देखो माधवी, ये बात किसी को नहीं पता है, सिर्फ सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मुझे पता है। तो ठीक है, मुझे भी बता दीजिए। माधवी अगर सोसाइटी में किसी को भी पता चल गया ना तो हल्ला मच जाएगा। कैसे पता चलेगा, कोई नहीं है यहाँ, देखिए आप। हाँ लेकिन बताइए ना क्या बात है। अगर गलती से तुम्हारे मुझसे बात निकल गई तो? राम मैं नहीं बताऊंगी किसी को, बताइए ना क्या बात है। अच्छा ठीक है बताता हूँ, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ मेरा एक बिल्डर दोस्त है, उसी का फोन आया था। हाँ। उसने मुझे परसों मीटिंग के लिए बुलाया है। कैसी मीटिंग? गोकुलधाम सोसाइटी के रीडेवलपमेंट की मीटिंग। मतलब ये माधवी कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी जिस जगह पे खड़ी है वहाँ पे अभी सोसाइटी नहीं रहेगी, दो बड़े बड़े टावर खड़े हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? और उसका ये कहना है कि उस टावर में जिम्नेजियम होगा, स्विमिंग पूल होगा, गार्डन होगा, जॉगिंग पार्क होगा। यकीन ही नहीं हो रहा है। यकीन ना होने वाली बात तो आगे है। उसने बोला कि प्लान के मुताबिक टावर में एक एक घर मिलेगा। ऐसा क्या करता है, अपनी सोसाइटी की जगह अगर वो टावर बना रहे तो हम लोगों को तो घर मिलेगा ही ना उसमें, ऐसा क्या है? माधवी तुम समझी नहीं, दो टावर बनेंगे ना तो दोनों टावर में एक एक घर। मतलब एक टावर में एक 2 BHK और दूसरे टावर में भी और एक 2 BHK। हाँ। ये, 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 ये,
ए, बोलो धीरे बोलो धीरे बोलो, तू चिल्ला क्या रही हो? सॉरी सॉरी, पागल हो क्या? और अभी तक यह तय नहीं हुआ है, सिर्फ बात हुई है। ओ सॉरी सॉरी, पर ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा नहीं? दो दो टू बीएचके, एक फ्लैट में हम लोग रहेंगे और दूसरे फ्लैट में हॉल में आप क्लासेस लेना, और एक बेडरूम में अचार पापड़ का स्टॉक रखेंगे और दूसरे बेडरूम में हम लोग ऑफिस चलाएंगे, और किचन का क्या करेंगे? और किचन तो बहुत बड़ा होगा। ख्याली पुलाव मत पकाओ माधवी, मैंने बोला ना अभी तक कुछ तय नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारे मुँह से ये बात निकलनी नहीं चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लक्की, ओहो, आपको विश्वास नहीं है मुझ पर? नहीं विश्वास है, इसे तो शर्त लगाई। मेरा मतलब है कि मैं शर्त भी लगा सकता हूँ कि माधवी किसी को कुछ नहीं बता सकती। थैंक यू। हाँ, लेकिन ये शर्त मुझे हारने मत देना। अरे काय सर, कि शर्त चढ़ डोक्यात बसले हो, मतलब कि तुम ये बात किसी को मत बताना। नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी। अभी जरा ले। अरे कहाँ जा रही हो? सोनू के रूम में। उसे भी नहीं बताना है? उसको पता भी नहीं, जा रही हूँ। क्या है आजकल वो देर रात तक पढ़ती है ना, तो देखने जा रही हूँ कि वो पढ़ रही है या सो रही है। हाँ बोल पिड़ू। सोरी, मेरे घर पे मिशन सक्सेसफुल, तुमने बताया कि नहीं? ओ पिड़ू, वो ये भी कोई बताने वाली बात है? वो बात ही ऐसी है ना, वो हम लोग किसी को बता ही नहीं सकते, वो अपने आप ही सबको पता चल जाएगी। चल चल, चंगा, सत श्री अकाल, ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। सुबह अच्छे रोशन, अगले खुश खुश था जे। ओए रोशन डार्लिंग, बात ही ऐसी है, खुशी तो होगी ना? सो बोली बाबा। सॉरी सोनिया, वो मैं तुझे अभी नहीं बता सकता। मराठी से छुपावानो बोली रोशन। सुनिए, वो कल ऐसी है ना, अगर कहीं बाहर निकल गई तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। नहीं निकलेगी रोशन, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है? ओए सोनिया, तेरे पे तो अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा है, पर बात पे भरोसा नहीं है ना। बात अगर कहीं बाहर निकल गई, बाहर सबको पता चल गया ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यार। नहीं नहीं रोशन, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, जरूरत भी नहीं, सच्ची। मुच्छी? हाँ। ठीक है, तेनु दसना, चल बैठ बैठ। बोल बोल रोशन। रोशन डार्लिंग, वो इतनी दूरी से मैं नहीं बता सकता, ये कान में बताने वाली बात है, दीवारों को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, अपना कान ही धरला। हाँ बोल बोल। रोमांटिक बात करके बात को मत उड़ा, बोल नहीं बाबा, नहीं तो मेरे को आखिर रात नींद नहीं आएगी। तेरी तेरे को नींद नहीं आएगी, तो कुछ सोचना पड़ेगा यार। रोशन बोल ले प्लीज। ठीक है रोशन, इतने सालों से जो घटना नहीं घटी है वो घटने वाली है। रोशन सो एक गोल 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 बात कर रहे थे, सीधी सीधी बात बोल ली। ये बताता हूँ बताता हूँ सोनिए, हमारे पप्पू की शादी होने वाली है। रिश्तेदारी में कोई लड़की है, उनके पास पोपू का बायोडाटा भेजा, उसकी फोटोग्राफ भेजी और उनके घर वालों को पोपू पसंद आ गया। अरे वाह। लेकिन क्या है ना, पोपू को भी ये बात पता नहीं है, अगर ये बात बाहर फैल गई तो पोपू को पता चल जाएगा, और कहीं उसका रिश्ता नहीं हुआ तो उसका दिल टूट जाएगा ना। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। थैंक यू वेरी मच पुत्र। मेरा कहने का मतलब है, जहाँ हमारे पुत्र के पास वो एसी लगा के सो रहा होगा, वो एसी बंद कर देंगे तो उसको ठंड लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी, है ना? करेक्ट करेक्ट, अभी करते हैं फटाफट। चलो, तो बात बतानी है किसी को? हाँ हाँ हाँ। तो फोन आ जाओ। अरे ये था। बोल बोल छोटी। ठीक ना, हम सब ने अपनी अपनी बीवियों को अपनी अपनी बात बता दी है। मैंने विदय को बता दी है। ओ मैनू ते पूरा यकीन है, और शर्त तो हम लोग ही जीतेंगे। अरे लगता है क्या छोटी, हम ही जीतेंगे। चल अभी तू भी सो जा, मैं भी सो जाता हूँ, ठीक है? ओके जिनाब्रा, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। अरे दया, अरे बापू जी, सुबह सुबह तैयार होकर बैठे कहीं जा रहे? हाँ, आज हमारे यंग ओल्ड ग्रुप का प्रोग्राम। अरे हाँ, वो दया बता रही थी कल, बराबर। हाँ, आपने चाय नाश्ता कर लिया? हाँ, कब का कर लिया? अच्छा, अरे दया जरा चाय नाश्ता लाना। चाय नाश्ता कि दोपहर का खाना?
वे सुबह दोपहर का खाना बापू जी। ये सुबह वाली घड़ी देख कितने बज रहे हैं। आज रविवार है बापू जी, तो पूरे हफ्ते का जो नींद का कोटा बाकी रह गया होता है वो मैं आज पूरा कर लेता हूँ। तेरी कौन सी नींद का कोटा बाकी रह जाता है भाई, तू तो रोज देर से ही उठता है। एक बात याद रख, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। बराबर है बापूजी, लेकिन जिसकी नींद पूरी नहीं होवत है वो दूसरे दिन जाग के भी कुछ नहीं पावत है, खाली बगासा खावत है। उधरो क्या है ना, इसमें भी खाने की बात चाहिए क्या मुझे पापा? मसालेदार चाय और गर्मा गर्म पोहा तैयार है। पोहा? पोहा। हाँ। चाय नाश्ता वापस ले जा, जेठे आज खाली बगासा खाने वाला है। कर ले नाश्ता कर ले, वरना पतला हो जाएगा। थैंक यू बापू जी। क्या ज्यादा पतला हो गया तो फिर सब कपड़े नए बनाने पड़ेंगे ना। चुपचाप खा लेना भाई। अरे दया, वो टप्पू क्रिकेट मैच खेलने जाने वाला था वो गया? हाँ, टप्पू तो टाइम पर उठकर तैयार होकर चला गया। टाइम पे उठ के नमस्ते बापूजी। अरे नमस्ते बागा। सेठानी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सेठ जी। ए, नमस्ते, तो यहाँ क्यों आ गया? अरे सेठ जी, आपने तो मुझे बुलाया था। माले जेठे, तूने ही बुलाया और तू ही भूल गया। बागा खड़ा क्यों है? हाँ बैठ बैठ। जी बापूजी। अरे बाप रे, इसको भीड़े से मिलने को कहा था, ये यहाँ क्यों आ गया? अगर इसने सीसीटीवी कैमरे के बारे में बता दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे जेठिया, आज छुट्टी के दिन तूने बाघा को किस काम के लिए बुलाया है? कोई बड़ा काम नहीं है बापा जी, बहुत छोटा काम है। क्या काम? वो सीसी सीसी मेहता कंपनी को पेमेंट का चेक देना है, उस पर साइन लेने आया। लेकिन आज रविवार को वो कंपनी खुली रहती है? नहीं, बंद रहती है। पर क्या वो मैनेजर ने रिक्वेस्ट किया मुझे, पेमेंट अर्जेंट चाहिए, तो आज चेक आप घर पे भेज दो, तो कल मैं सुबह की वो पहली क्लियरिंग में वो डाल दूं इसके लिए। अच्छा, लेकिन भागो भाई, एक चेक साइन कराने के लिए अब इतना बड़ा थैला लेकर क्यों आए? सेठ जी थैला तेरे पास है, तुझे पूछ रही है दया, तो तू ही बता। जी सेठ जी। सेठानी जी, इसमें सीसीटीवी कैमरा है। सीसीटीवी कैमरा किसके लिए? वही सीसी मेहता कंपनी के मैनेजर के लिए। उन्होंने नया फ्लैट खरीदा है तो वो घर के बाहर लगाने के लिए मंगाया है। अच्छा अच्छा, उठ उठ जरा बाहर, मैं समझाता हूँ तेरे को। आजा आजा। एक मिनट बुके पापा, आप और बागा भाई चाय नाश्ता तो करके जाइए। तुझे चाय नाश्ता करना है? नहीं, मैं सुबह करके आया। हाँ, ये करके आया और मैं अभी आके करता हूँ, चल। अरे लेकिन तू इसे लेकर बाहर क्यों जा रहा है? चेक यहीं पे साइन कर दे। नहीं नहीं, चेक तो यहाँ साइन हो जाएगा बापूजी, बाहर मैं इसको वो अपना जो मेन दरवाजा है ना उसके बाहर खाली दिखाने ले जा रहा हूँ कि वो मैनेजर के दरवाजे के बाहर ये सीसीटीवी कैमरा कैसे और कौन सी दिशा में लगाना है। ठीक है, आजा आजा आजा।
चल चल भाई। बाका तुझे बोला था ना भीड़े के घर, तुझे बोला था ना भीड़े के घर पे जाने के लिए, तो यहाँ क्यों आ गया? लेकिन सेठ जी भीड़े भाई घर पे है नहीं, इसलिए मैं आपके घर पे आया। क्यों, कहाँ गया है? मुझे क्या पता। ये भीड़े भी ना, सेठ जी ये सीसी मेहता कौन है? मुझे क्या पता। आपको नहीं पता? नहीं। अरे लेकिन अभी आपने तो बापूजी के सामने बताया कि सीसीटीवी कैमरा लगाने सीसी मेहता कंपनी के मैनेजर के घर पे जाना है। हाँ बोला तो। अच्छा मतलब अब सीसी मेहता को नहीं जानते, सीसी मेहता कंपनी के मैनेजर को जानते हैं। अरे भाई मैं किसी को नहीं जानता हूँ। तो फिर सेठ जी ये सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगाना है? अरे कल ही तो बोला तुझे भाई क्लब हाउस में लगाना है। तो सेठ जी सीसी मेहता कंपनी के मैनेजर क्लब हाउस में रहते हैं? हाँ। तो सेठ जी ऐसे क्लब हाउस भाड़े पे दे सकते हैं? हाँ सेठ जी। हाँ क्या बोल। क्लब हाउस भाड़े पे दे सकते हैं? कौन सा क्लब हाउस? आपकी सोसाइटी का क्लब हाउस? नहीं 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 दे सकते। तो फिर भीड़े भाई ने सीसी मेहता कंपनी के मैनेजर को क्लब हाउस भाड़े पे कैसे दे दिया? ए, आ, क्या बोल रहे हो भाई, ये सीसी मेहता कौन है? मैं सिर्फ तारा मेहता को जानता हूँ, केटर सीसी मेहता कौन है? भीड़े भाई आप सेठ जी से मत पूछिए, इनको कुछ नहीं पता। तो फिर ये अफवाह किसने पहले कि मैंने क्लब हाउस भाड़े पे दिया है? सेठ जी। अरे भाई तो इसको छोड़ने, भाई तू कहाँ घूम रहा है? सब्जी लेने गया था परवड़ की। अरे तेरी परवड़ की सब्जी में यहाँ अपना प्लान चौपट हो जाता अभी। कैसे? तू घर पे था नहीं, तो मेरे घर पे आ गया और वहाँ बापूजी दया दोनों थे, और दया ने पूछा तो भाई साहब ने बता भी दिया थैले में सीसीटीवी कैमरा है। मांड मांड कुछ भी बहाना बना के इसको बाहर लेके आया। तुझे भाई परवड़ की सब्जी लेना अभी जाना था, ये एक बार आ जाए कैमरा फिट हो जाए उसके बाद नहीं जा सकता था? जेठालाल मैं सुबह से घर पे रेडी बैठा था, बागा की राह देख रहा था। अब ये आए नहीं तो मैंने सोचा कि एक काम निपटा लूं, इसलिए मैं सब्जी लेने चला गया। अरे लेकिन भीड़े भाई मुझे सेठ जी ने कोई फिक्स टाइम नहीं बताया था, कहा था कि सुबह आ जाना, तो मैं तो सुबह ही आया हूँ, दोपहर को थोड़ी आया हूँ। अरे हाँ भाई सब गलती मेरी है, अभी तू फटाफट इसको क्लब हाउस खोल के दे और फटाफट ये कैमरे की फिटिंग करवा ले जल्दी जल्दी। हाँ इससे पहले माधी मीटिंग के लिए क्लब हाउस की चाबी मांगे, हम लोग कैमरा फिटिंग करवा देते। वैसे कैमरा फिट करने में कितना टाइम लगेगा बागा? दस दस मिनट बोला उसने। नहीं नहीं डेढ़ घंटा। अरे कल मैंने तुझे फोन पे पूछा था, तूने ही बताया ना कि सेठ जी ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे, अभी डेढ़ घंटा कहाँ से आया? लेकिन सेठ जी कैमरा लगाने में 10 मिनट लगेंगे, वायरिंग केबल ये सब सेट करने में कम से कम 1.5 घंटा जाएगा। अरे तो ये तो मुझे कल नहीं बता सकता था। अरे लेकिन सेठ जी आपने मुझे जितना पूछा उतना मैंने बताया, और वैसे भी बड़े सयाने कह के गए हैं ना, जितना पूछा जाए उतने का ही जवाब देना चाहिए। अरे तेल लेने गए तेरे सयाने। जेठालाल तुम उससे क्यों चिल्ला रहे हो भाई, तुमने गड़बड़ की, तुम्हें ठीक से पूछना चाहिए था ना उसे। हाँ, मुझे तो जितना पूछा मैंने उतना जवाब दिया। अरे मैंने तुझे क्या पूछा था? सब लेडीज घर में ही है जेठालाल। मैंने तुझे क्या पूछा था कि कैमरा लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो उसमें सब आ जाता है ना भाई, कैमरा वायरिंग बियरिंग। तू मुझे खाली इतना बताएगा कि कैमरा लगाने में 10 मिनट, तो वायरिंग का कौन बताएगा, तारो नटू का को? जेठालाल अभी जाने दो, जो हो गया सो हो गया, लेडीज की मीटिंग के लिए अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। बागा अभी फटाफट कैमरा फिट कर दे, चल रॉकेट की स्पीड से चलो। चलो चल। अरे मैंने बोला रॉकेट की स्पीड से चलो भाई। लेकिन भीड़े भाई यहाँ कितना फिसलन है, अगर रॉकेट स्लिप हो गया तो किसी दूसरे ग्रह पे चला जाएगा। ए भाई भीड़े तुला येते काय फिटिंग तो घेत चाहता है, तू कर याला छोड़। नहीं जेठालाल हमारा फक्त मीटिंग करता है, फिटिंग नहीं। चल 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 जल्दी। हम पुरुषों का कार्यक्रम बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ। हम सभी को पोपटलाल के घर जाके लेडीज क्लब की मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट देखना है, उसके लिए क्लब हाउस में सीसीटीवी लगाने के लिए बाघा चला गया। लेकिन बाघा अगर कहीं सीसीटीवी लगाते हुए पकड़ा गया तो, या लेडीज क्लब की मीटिंग में चलती हुई मीटिंग में किसी महिला की नजर पड़ गई उस सीसीटीवी कैमरा पर, तो शिव भगवान खतरा बहुत बड़ा है। लेकिन मूल प्रश्न अपनी जगह पे खड़ा है कि महिलाओं के पेट में बात टिकती है या नहीं, लेकिन ये भी पता चल जाएगा क्योंकि फैसले की घड़ी आ चुकी है। जैसे ही हम मीटिंग की कार्रवाई देखेंगे हमें एहसास हो जाएगा कि ये बात सही है या नहीं। आप भी अपनी आतुरता और उत्सुकता बनाए रखिए और आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। जब आप देखेंगे हमारे साथ, देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.